काम करने वाले कोई स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल के रूप में देखा जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स अक्सर इन स्टार्स की तुलना करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में सीरियल बेहद में जेनिफर विंगेट की माँ का रोल कर रही कविता घायल के बारे में खबरें ऐसी आ रही हैं कि हूबहू रेखा जैसी वो दिखाई देती हैं। ऐसे ही और टीवी स्टार्स भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शब्बीर आलूवालिया इन दिनों कुमकुम भाग्य में रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा का रोल कर रहे हैं। वहीं राणा दग्गुबती को लोग बाहुबली में भल्लाल देव के रोल करते हुए देख रहे हैं। अब ये दोनों लगते हैं सिमिलर। गुंजन बख्शी मुंबई की बेस्ट मॉडल हैं, जिनको टीवी सीरीज बॉलीवुड हीरो में देखा गया था, जो हूबहू दिखती हैं प्रियंका चोपड़ा जैसी। राज सिंह अरोड़ा को ज्यादा लोगों ने ये है मोहब्बतों में देखा है, जो अंकित तिवारी द सिंगर की तरह दिखाई देते हैं। दीपशिका ने शक्तिमान और बालवीर जैसे शोज में काम किया है। और वहीं 2005 में दुनिया को अलविदा कह गई परवीन की तरह लगती हैं दीपशिका। डिम्पी गांगुली को राहुल दुल्हनिया ले जाएगा और बिग बॉस 8 जैसे रियलिटी शो के लिए जाना जाता है। वहीं सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस में से एक हैं, और ये दोनों लगती हैं सिमिलर। सनम बालोच पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हैं और होस्ट भी, जो फेमिना मिस इंडिया 2005 की विनर रही निहारिका सिंह जैसी दिखाई देती हैं। काफी फेमस पूजा गौर, जिन्हें ज्यादातर लोग प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं, वो जैकलीन फर्नांडिस की तरह दिखती हैं। करिश्मा तन्ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे फिक्शन और बिग बॉस 8 जैसे रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, वही आज के दौरान की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तरह दिखती हैं, जिन्होंने ओम शांति ओम, ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में काम किया है। करिश्मा कोटक ने रियलिटी शो बिग बॉस 6 और हॉरर शो डर सबको लगता है में काम किया है। वहीं बात नरगिस की करें तो वो रॉकस्टार और बैंजो जैसी फिल्मों में नजर आई हैं, और ये दोनों लगती हैं काफी सिमिलर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।